तेरी औकात ही ऐसी है, तू ऐसी बातें करता हमेशा ही। इसे ना अंदर से दुष्ट आत्मा खा रही थी। क्या कर रही थी? अंदर से इसको खा रही थी, खा रही। मैंने कह दिया मैं टीका लगा दो, मैं मरना, मैं नहीं रहना इथे। पर जो तो परमेश्वर के बीच में आई हूं, मैं हो जाए कुछ नहीं हुंदा। हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम पूजा है और जे अदलीवाल गांव के रहने वाले हैं और इनके साथ इनके हस्बैंड है, और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि 3 साल पहले जे बता रहे कि जब जे प्रेग्नेंट थे तो उस समय जे बता रहे कि इन्होंने बेबी रिमूव किट खा ली थी, और उससे बाद जे बता रहे कितनी ज़्यादा इन्हें ब्लीडिंग थी बहुत ही ज़्यादा, और जे बता रहे कि फिर इन्होंने अलग अलग डॉक्टर से मेडिसिन खाई और जे बता रहे कि फिर भी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, और जे बता रही कि जैसे जे डॉक्टर के पास जाते चेकअप भी करा रहे थे पर डॉक्टर ने बताया कि आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन खाए कुछ ही दिनों में आपको आप अच्छे हो जाएंगे, पर जे बता रही कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके कारण जे बता रहे कि जे काफ़ी परेशान हो चुके थे और इसके दरमियान ही इनको नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया, और जे बता रहे ने कुछ भी उन दिनों में समझ नहीं आ रही थी कि जे क्या करे। जे बता रहे कि इसके कारण जे बता रहे कि जे रात के समय जब भी अंधेरा होता तो जे रात के समय बहुत ज़्यादा डरते थे, और घर में जे बता रहे कि घर की लाइट्स भी ऑफ नहीं करते थे, और पूरी पूरी रात जे बता रहे कि इन्हें नींद नहीं आती थी, इतना परेशान हो चुके थे। और जे बता रहे कि इसके कारण जे तांत्रिक बाबों के पास भी गए और बहुत सारे इन्होंने पैसे भी उन्हें दिए, पर जे बता रहे कि उससे भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इनकी समझ इनकी बुद्धि को डेवल ने इतना कंट्रोल कर लिया कि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, ना तो घर के जे अपने काम कर सकते थे, और जहाँ तक जे बता रहे कि इनको जैसे नहाने से भी इनको डर लगता था, इतने परेशान हो चुके थे और घर का कोई भी काम नहीं कर सकते थे, बहुत ही परेशान हो चुके थे। और जे बता रहे कि और भी इन्होंने बहुत सारे इन्होंने मेडिसिन खाई कि जो इनके इनको दिमाग से समझ नहीं आ रही, पर कोई भी जे बता रहे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि जे क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको, और जे बता रहे कि इसके कारण जे बहुत परेशान हो चुके। और जैसे फिर इन्हें जे बता रहे कि प्रभु की गुड न्यूज़ मिली, और अभी इसको इनको जहाँ पर आते हुए अभी सिर्फ 1 साल से कुछ समा हुआ है, पर इससे पहले जैसे इनको गुड न्यूज़ मिली तो जे जैसे इस मिनिस्ट्री में आए उस समय सिर्फ जे 3-4 मंथ ही लगातार मीटिंग में आ रहे थे, पर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कैसे विश्वास करना है, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकते, और जैसे ही परमेश्वर के दास भी इन्हें टीच करते टीम ही उत्साहित करती, पर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो फिर से इन्हें जब बता रहे कि इन्होंने चर्च छोड़ दिया, फिर से जब अपने घर ऐसे रह रहे थे अपनी प्रॉब्लम में बहुत परेशान थे, और फिर से 1 साल ऐसे इनका निकल गया, और फिर जैसे फिर बाद में जो फैमिली ने लेकर आई थी फिर से वही उन्होंने इनको बताया कि परमेश्वर ने ही आपको इस प्रॉब्लम से अच्छा करना, आप अपना मन बनाएं और फिर से चर्च आना शुरू करें। और जैसे फिर से इन्होंने स्टार्ट किया इस मिनिस्ट्री में आना, और जब बता रहे कि जब जे संगति अटेंड करते थे और जो वचन परमेश्वर के दास इन्हें टीच करते बताते जहाँ पर्सनल मीटिंग में आते तो जे बता रहे कि सुनते तो जे जरूर थे, पर जैसे जे अपने घर जाते तो इनको कुछ भी याद नहीं रहता था, जे सब कुछ भूल जाते थे कि क्या कौन से वचन इनको दिए गए या इनको कौन सा वचन दिया गया जिसके दौरान जे अच्छे हो सकते या जो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रेयर है पॉजिटिव अंगीकार, कुछ भी एक भी वर्ड इनके माइंड में नहीं तो रहता, इन्हें याद नहीं रहता था क्योंकि डेवल ने इनके माइंड को इतना कंट्रोल कर लिया था। और जे बता रहे कि जैसे जे संगति में आ रहे थे और जो जैसे कि इनके माइंड को डेवल ने कंट्रोल किया था, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे तो जो कि दुष्ट आत्मा इनके जीव में गुप्त रूप में काम करती थी, और जे बहुत परेशान हो चुके थे। और जैसे फिर इन्होंने 18 फरवरी की मीटिंग को अटेंड किया, और जे बता रहे कि जब परमेश्वर के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो उस दिन दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, और पहले हम उस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। अच्छा कितने ले जाना है? मैं बड़ी दूर ले जाना है। कितने दूर? मैं जसूना में वड्डा हूं। अच्छा ओ तेरे मैं जानता नहीं है। अच्छा जानता नहीं है मैं तेनु। बड़ी दूर ले जाना है। की नाम है तेरा? मेरा नाम बड़ा वड्डा है। बड़ा वड्डा किड्डा? मैं खेतर पाए उल।
अच्छा मैं क्या शायद पता नहीं कोई उत्तो वड्डा आ गया मैं कोई कर नहीं बना तेरा क्या नहीं करने देना मैं कर नहीं बना तेरा मैं जोर देना मैं जोर है अच्छा कर नहीं बन देना तू अच्छा नहीं डराना है अगर खुदा तुझे डराए तो तेरा क्या बनेगा फिर जब खुदा तुझे डराए तो तेरा फिर क्या होगा बतावे ले हाँ अच्छा इसके पति को तूने नहीं आने देना है हजूरी में अच्छा सुख देता है इन्होंने यसुद नाल मिला के अच्छा 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 ठीक अच्छा तू यसू बने जड़े तू फांस ना मेरे दे मैं नु मार के छकना कुड़ी नु अच्छा मैं नु कुछ भी कर सकदा मैं नु ला के जड़े मैं तेरी चोरी च मारने लगा देना दा यसू बने तू जड़े तेरी ओ कहती ऐसी है तू ऐसी बातें करता हमेशा ही मैं नु मार देना हां मार देना है अच्छा जब तक इसके ऊपर खुदा का अनुग्रह है ना तब तक तू कुछ नहीं कर सकता बोल अच्छा अच्छा तू नहीं डाई है वो हमें पता है क्योंकि सारे गंदे काम तेरे ही है ये सारे नुकसान तेरे तू ही करता है इसकी सारी जितनी मन की इसकी चाहत है वो सारी पूरी होनी है और तुझे जाना पड़ेगा चलो खेत्रपाल चल खेत्रपाल के कोई और भी है तेरे साथ कोई मैं तीन गुनूंगा और तू इसके अंदर से उस खुदावंद की डायनामस जो पावर है यहाँ पे उसकी हजूरी में जो मेरे ऊपर है और जो खुदा ने तेरे ऊपर मुझे अधिकार दिया है मैं तीन दिनों गिनूंगा और तू टूटेगा अभी इसकी जिंदगी में और खुदा के दूत तुझे आज पकड़ेंगे और कोड़े लगाएंगे एक तो टूट पूरी तरह से आज शैतान तेरा प्रभाव पूरी तरह से आज इसके अंदर से इसकी हड्डियों से दिमाग से शरीर से इसके परिवार से इसके पति के जीवन से इसकी फैमिली से जो तू अटैक करता है बार बार जितना भी तेरा प्रभाव है चलो एक साथ सारे के सारे निकलो यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ टीम आमेन Amen. Yes, खुदा ये तेरी बच्ची है खुदा आज से खुदा परमेश्वर से तू पूरी तरह से खुदा आजाद कर चुका है और तेरे स्वर्गीय दूत उन तीनों दुष्ट आत्माओं को खुदा पकड़ चुके हैं खुदा ये आजाद है खुदा आज से खुदा इसके घराने पर इसके बच्चों पर इसके पति पर और इस पे सदा तक खुदा आज के बाद तेरा अनुग्रह और तेरी शांति बनी रहे यीशु मसीह के नाम से उठाओ 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 हालेलुया बोलो जोर से बैठ जाओ अपने हाथों को उठाओ और जैसे ही इन पर जब दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया जब परमेश्वर के दास के द्वारा प्रेयर की गई उसको डांटा गया और जब बता रहे कि उस दिन से जो इनके जीवन में शांति नहीं थी और जिन्हें इनकी
जो डेविल ने इनके माइंड को कंट्रोल किया था, इनकी बुद्धि में कोई वचन नहीं जाता था, इन्हें समझ नहीं आती थी, उस दिन से जब बता रहे कि इनको एक एक वचन भी समझ आना शुरू हो गया, जो इनके जीवन में शांति नहीं थी, और परमेश्वर की शांति उस दिन से इनके जीवन में रिलीज हुई, और जब बता रहे कि सब कुछ आज इन्हें समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो बहुत खुश है, पूरे प्रभाव से नेगेटिविटी के दुष्ट आत्मा से भी बिल्कुल आजाद हो चुके, और इस गवाही के लिए परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे देश से अनोखे काम करिदाए यहोवा, अनोखे काम करिदाए करिदाए यहोवा, अनोखे काम करिदाए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि उसके जी उठने की सामर्थ्य हमारी जिंदगी में काम करती है, रहती है कि नहीं करती है? एक साल पहले आई ना, पर बने नहीं रहे। हाँ जी पापा जी। कितना टाइम आए थे जब पहले आए थे? सिर्फ तीन महीने रहे और उसके बाद नहीं आए जी। पर इधर उधर जाकर देखा, सब कुछ जो दुनिया करती है, तांत्रिक बाबू जी के पास जाकर देखा कि शायद उनसे मेरा हल हो जाएगा, पर कहीं से भी नहीं हुआ। मैं सच्ची कहता हूं, जो दुष्टात्मा का हल है, प्रॉपर हल है, जो वो सिर्फ यीशु के नाम से होगा। ये दुनिया के जो सियाने बाबा जी है ना, कुछ समय के लिए आपको सेट कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए आपको आजाद नहीं कर सकते। और ये गए, बोलो क्या गए? ये गए पर हल नहीं हुआ। पर जब दोबारा आए, आ तो रहे थे, बोलो क्या है, पर शैतान ने इनकी बुद्धि को, इनके माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल किया था, कि जहां पे, मेरी बात ध्यान से सुनो, सबको बोलो बैठ जाओ दो मिनट, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, सुनो ध्यान से, कितने मेरी बात समझ रहे हैं। शैतान ने इनके माइंड को कंट्रोल किया था कि जो बातें मैं यहां पे बताता हूं आपको, किसके राज्य के बारे, वो शैतान इन्हें समझने नहीं दे रहा था। क्या नहीं दे रहा था शैतान इन्हें? कोई भी बात, एक भी वचन इनके मन के अंदर नहीं था, जहां पे जो सबसे इस मिनिस्ट्री का प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव प्रेयर, पॉजिटिव विश्वास, बोलो क्या है, एक अच्छा अंगीकार, ये हो चुका है। बोलो क्या, ये हो चुका, क्योंकि लोग तो रोज रोज मांगते हैं। बोलो क्या करते हैं लोग, तो जितनी भी चर्चेस में हैं, लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें चंगा कर, हम पर दया कर, हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं, प्रभु ठीक कर। पर हम लोगों को बताते हैं, मांगने के बाद, डांटने के बाद एक ही बात कहना, ये हो चुका है, पर वो भी बात इनके माइंड में सेट नहीं हो रही, वो भी बात इन्हें समझ नहीं आ रही थी। सफर कर रहे थे उन दिनों में, मैं मिल रहा था, बोलो क्या है, ले हैंड भी हुई, बोलो क्या हुई, पर शैतान ने मन को, माइंड को कंट्रोल किया था। बोलो शैतान ने क्या किया था? माइंड को कंट्रोल किया था। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर किसी बंदे के अंदर ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी दुष्ट आत्मा, तो फिर अगर वो नहीं समझ पा रहा तो उसके लिए दूसरे को विश्वास करना पड़ता है। पर इनके पति उस समय इतना प्रभु में नहीं बन रहे थे, ये कम आ रहे थे, उतना इसके लिए विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहे थे? कहते मेरी बात सुन रहे, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। क्या लगा? थोड़ा टाइम लगा। और मैं भी इसके लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे बता, बोलो क्या है, मुझे बता कि ये क्यों नहीं जा रही। पर इसके लिए एक विश्वास चाहिए था, बोलो था, पर मैं प्रार्थना कर रहा था अपने विश्वास से कि नहीं परमेश्वर, ये तेरी बच्ची है, अगर ये तेरे पास आ रही है तो तू निश्चय क्या करेगा, इसे आजाद करेगा। मैं जब भी प्रार्थना में बैठता हूं, जिन लोगों को भी कैसी भी मतलब प्रॉब्लम क्यों नहीं है, मैं इस मंडली को, आप सबको याद रखता हूं, आमीन। पर मैं जब भी इन्हें मिलता था, समझाता था, तो उनके माइंड में, बुद्धि में वो बातें बैठ नहीं रही थी।
जब तक बैठेंगे नहीं तो छुटकारा नहीं मिलेगा, ये नियम है। बोलो क्या है? जब तक ये बातें बैठेंगे नहीं तो छुटकारा भी नहीं मिलेगा। इन्हें भी मिल नहीं रहा था। मैं सच्ची हमको कहता हूं, इसे ना अंदर से दुष्ट आत्मा खा रही थी। क्या कर रही थी? अंदर से इसको खा रही थी, खा रही थी। आपको पता, ये रात के समय अभी आपने सुना के ये लाइट मतलब क्या कहते हैं ऑन करके सोते थे, लाइट को जगाकर मतलब सोते थे। अंधेरे से डर लगता था, पानी से डर लगने लगा, बुरी तरह से शैतान ने कंट्रोल कर लिया। धीरे 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 इसके ऊपर उसका प्रभाव और बढ़ता रहा। ये कुछ मेहनत काम करते वो भी शूट किया। बोलो क्या? वो भी शूट गया। इसे कुछ नहीं समझ आ रही थी। थोड़ा आप बताओ, माइक दो इन्हें, माइक दो, दे दो, कोई बात नहीं, माइक पास रखो, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो। जय मसीह दी सारी कलीसिया नु, जय मसीह दी मम्मी पापा जी नु, सही गल जो भी कह रहे ना सच कह रहे आ, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं रोटी भी नहीं तवे दे पा सकती, ना मैं नहा ही सकती, मैं कपड़े पाउन तो भी डरती हाँ, ते सौन तो भी मैं बाहर जो मीह बदल आंदा मैं कहनी नहीं मेरे उत्ते डिग चलिया, मैं भज जानी नहीं हाँ बाहर नू, मैं इन्होंने कहनी नहीं मैनू टीका लवा दो, मैं मरना वा, मैं नहीं रहना इतने। पर जो ओद परमेश्वर बच्चे मैं ही हूँ, मेरा यहोजा कुछ नहीं हों, मैं बिल्कुल बिल्कुल वधिया वा, तो अपने काम से भी जाननी, परमेश्वर ने मैं बहुत वधिया काम किया। सुनो ध्यान से, कब छुटकारा मिला? जब परमेश्वर ने आजाद किया, क्योंकि एक दुष्टात्मा थी अंदर। बोलो क्या थी? एक दुष्टात्मा थी अंदर जो खा रही थी। पर जाने का नियम मैंने खुद विश्वास किया इसके लिए, फिर इसके पति को भी गाइड किया कि आप खुदा की हजूरी में आना शुरू करो। क्या करो? इसके लिए विश्वास करो, इसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि नियम से परमेश्वर करता है। कैसे करता? बोलो, नियम से करता है। जब नियम आया तो छुटकारा आया। आज आपके सामने बोलो क्या है? खुद मौत मांग रहे थे अपने पति को, बताए मुझे क्या लगा दो, टीका लगवा दो मुझे, मैं नहीं इस हालत में जी सकती। देख लो इस दुनिया में कितनी दुनिया है जो ऐसे परेशान है। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए छुटकारा दिया ताकि हम उन लोगों को भी बताएं कि यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं। वो क्या बदलने के लिए आया है? क्या बदलने के लिए आया इस दुनिया में? कि धर्म बदलने के लिए आया है। आपका धर्म बदला कि जीवन बदला है? हाँ, जीवन बदला पापा जी। अगर आपको कोई कहे कि ले लो जी 50,000, हाँ ये लो लाख रुपया, तो धर्म अपना बदल लो, आप चले जाओगे? कभी भी नहीं। अगर 50,00,000 दे गए, आप कहीं सोचते होंगे, सुनो ले 50,00,000 तो बड़ा है, सानू दो जी। लालची लोग भी बैठे हैं, ये शैतान का मन है। अगर ऐसे सुनकर किसी के मन में आ सकता है, पैसा जीवन नहीं देता, इसको पूछो। बोलो क्या है? अंबानी के बेटे के पास अनंत अंबानी जो जिसकी शादी हुई थोड़े दिनों पहले, उसकी प्री वेडिंग पे 3200 करोड़ लगा और पूरी शादी में लिखा 1,000 करोड़ लगा। और उसको एक ऐसी बीमारी है, वो बहुत उसको मोटापा हो जाता है उस बीमारी के कारण। आपने देखा कितना भारा, वो उससे चला भी नहीं जाता। अब उनके पास कितना खरबों रुपया है, बोलो क्या है? पर वो पैसा उन्हें जीवन दे रहा है? उसके बेटे को जीवन दे रहा है? क्योंकि जीवन देने वाला कौन है? बोलो, जीवन देने वाला कौन है? जब जीवन देने वाले के पास आएंगे, वो जीवन भी देगा और जीवन के सुख भी देगा। इसलिए जब सुलेमान लिखा बुलाया गया, तो उसने कहा मांग, क्या मांगना है? बोलो क्या है? उसने कहा परमेश्वर तूने पहले ही मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर बैठा दिया है, क्या कर दिया है? अब इस प्रजा को चलाने के लिए मुझे एक बुद्धि दे। क्या दे? उसने कोई धन नहीं मांगा, कोई शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, क्या मांगी? सिर्फ बुद्धि।
और उसकी बुद्धि के कारण लिखा उसके पास इतना कुछ आ गया कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी, तेरे जैसा राजा ना इस दुनिया में होगा ना कभी आएगा, इतना ज्यादा परमेश्वर ने उसे आशीष कर दिया। क्योंकि जो धन परमेश्वर देता है, बोलो क्या है, जो धन खुदा देवता है उदे विच जो दुख नहीं मलांदा। कहते मेरी बात समझ रहे, जैसे इन बोलो क्या है, क्योंकि पैसा जीवन नहीं देता, जीवन खुदा देता। इसलिए अगर आपको खुदा ने जीवन दिया है, आपके जीवन में जो खुशी दी है, एक आशा दी है, तो इस सच्चाई को बाइबल कहती है अपने तक सीमित मत रखो। आप पूछो इसका क्या हाल था, इसको अपने तक सीमित, शर्माओ नहीं, बोलो क्या है, उसके नाम से शर्माओ नहीं, हर जगह बताओ। क्योंकि वो इसलिए स्वर्ग छोड़कर आया ताकि पूरी दुनिया के पाप को अपने ऊपर उठा ले, इसलिए वो आया है। अगर वो ना उठाता, ना मरता, बोलो क्या है, वो हमारे लिए ना मरता, तो हमें ये जीवन जो छुटकारा मिलना था, इनको मिलना था, ये किसके नाम से छुटकारा है, ओनली फॉर सिर्फ यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया, तारीफ कर दो जोर से, जोर से तारीफ कर दो, दोनों हाथों को हिला के। मैं हार गई थी, अपने रोग तो हार गई थी, अक गई मैं हार गई थी, अपने रोग तो हार गई, होने बटी गवाही ना ले आईया, होने बटी गवाही ना ले आईया, ये तुझी तेरा पल्ला चुके चंगी हो गईया, ये तुझी तेरा पल्ला चुके चंगी हो गईया, तो शास करते मैं भी हो चुकी हूँ, अपनी गवाही को हर जगह बताना है, शर्माना नहीं। अब बोलो क्या है, अब उसके नाम से शर्माना नहीं। पापा जी मैं नहीं शर्माउंदी, मैं तो सगो संगत लेके आउंदी। ओ हाँ जी, ये संगत लेकर आ रहे हैं, उसके सुसमाचार को बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आज भी आए हैं लोग कोई आपके साथ? हाँ जी आए। ये देखो, अगर आपको भी खुदा ने छुटकारा दिया है तो उसके बारे जरूर बताओ। आमीन, ये सबसे हमारा बड़ा प्रतिफल है इस दुनिया में, सबसे बड़ा धन है रूहों को बचाना। यीशु मसीह ने क्यों कहा था, मैं एक सच्ची दाखलता हूं, मैं एक वेल हूं, और जो टानी मुझमें जुड़ी रहती बनी रहती है मैं उसे शांकता हूं ताकि फल लेकर आए, परमेश्वर फल चाहता है। इसलिए उसने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ, परमेश्वर फल चाहता है, और जितना फल लेकर आओगे उतना ही आपको वो फलवंत करेगा, उतना ही आशीष करेगा। कितने लोग आशीष देना चाहते हैं, तो खुदा के लिए फलों को लेकर आओ, खुदावंद आपको बहुत सोच से भी ज्यादा ब्लेस करेगा। आमीन, ओके, परमेश्वर आपको बरकत देगा।